अच्छा जी, तो अभी मेरे साथ वाले ऑफिस में कोई भी नहीं है क्योंकि सब जो है शायद क्लासेस लेने गए या आई डोंट नो, यूजुअली इस टाइम पे सब लोग ऑफिस में होते हैं क्योंकि ब्रेक टाइम हो रहा है। और मैंने ये माश मसर की दाल मंगवाई है, अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, बहुत टेस्टी है। और आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं अरशद शरीफ, उनका मर्डर हुआ है जो कि बीबीसी ने भी चलाया, और मैं देख रही हूँ कि कोई इधर उधर ना हो ना, तो जो बीबीसी ने भी चलाया, और चलाया से मतलब कि उन्होंने भी ये न्यूज़ रिपोर्ट की, अल जज़ीरा ने भी। और मैं हैरान हो गई थी कि मरियम नवाज़ ने ट्वीट की उस पर कि मतलब बहुत ही सरकास्टिक ट्वीट थी कि सबक सीखें और ये वो। यूजली आई ट्राई माई बेस्ट कि आई डोंट वॉन्ट टू बी अगेंस्ट वीमेन, आई डोंट वॉन्ट कि मैं अगर मुझे कोई नापसंद यू ना खातून तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई शुडन बी सेइंग एनीथिंग नेगेटिव बिकॉज आई रियली बिलीव इन गर्ल्स पावर और आई डोंट बिलीव इन टेकिंग वीमेन्स डाउन जस्ट बिकॉज इफ दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन मरियम नवाज का एक और ही लेवल है, मतलब दिस वुमेन हैज नो क्लास, हैज नो मॉरल्स, उसको कोई शर्म नहीं है कि किसी के घर से एक जवान इंसान और इतनी तकलीफ से इतने बुरे तरीके से इस दुनिया से चला गया, और वो शी इज ग्लोटिंग, शी इज लिटरली ग्लोटिंग एंजॉयिंग व्हाट हैज हैपेंड। और अब मैंने सुना है अभी थोड़ी देर पहले कि जी माफी मांग ली है, तो काफी देर से मांगी है, 24 आवर्स गुजर गए तो उसे माफी मांगना याद आया। लास्ट टाइम मैंने, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट डिश है दाल चावल, वो अच्छी सी सब्जी बनी हो, बहुत ही अच्छी सी पकी हो, या फिर दाल हो अच्छी सी, तो मुझे उसके साथ बॉयल्ड राइस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कल एक डॉक्टर की वीडियो देख रही थी, पाकिस्तानी डॉक्टर की, तो वो देसी घी को बहुत बुरा कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि देसी घी जो है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं करता, ये एक मिथ है। आई डोंट नो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं रहा, मेरे केस में तो देसी घी वर्क्स वंडर्स फॉर मी, आई डोंट नो। आज मेरी क्लासेस बहुत अच्छी गई, हालांकि मैं थक बहुत गई थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट सेमेस्टर का एंड आने वाला है, लाइक हमारे मिड टू होंगे और फिर सेमेस्टर का एंड आ जाएगा, तो मैं इतनी ऑलरेडी आई एम सो टायर्ड एंड आई जस्ट विश कि जल्दी से सेमेस्टर खत्म हो जाए। आज है 26 अक्टूबर और गर्मी फिर भी काफी ज्यादा है, देयर इज नो सीन ऑफ लाइक विंटर्स। मैं खाना खत्म करती हूँ और फिर देखते हैं, आजकल इतना काम है यूनिवर्सिटी में, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स भी प्रिपेयर कर लूँ आज, और फिर मुझे कुछ असाइनमेंट्स बच्चों ने सबमिट कराई हैं, मुझे मार्क करनी है, ये लोग अपने बॉयल्ड राइस में जिस कैफे से मैं मंगवाती हूँ खाना, उसमें थोड़ा सा वो डालते हैं जीरा, और इट रियली चेंजेस द टेस्ट। वैसे तो नमक जो है किसी चीज़ में नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये नमक भी डालते हैं और जीरा भी डालते हैं, तो आई मीन इट जस्ट टेक्स द टेस्ट टू अ होल न्यू लेवल। कल मेरी सिर्फ एक क्लास है, तो आई टॉक टू यू सम अदर टाइम। अच्छा जी, वापस आने के बाद मैंने देखा कि घर में भरता बना हुआ था जो मेरा बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं था, तो मैंने सबसे पहले शावर लिया, फिर मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो अब आप कोई भी दिन पहले में ये होता था बाल कभी कभी धोती थी, अब तो बाल भी रोज़ ही धोने पड़ते हैं, हालांकि उससे इतने ड्राई हो जाते हैं। खैर, फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल वाले राइस बनाए, साथ मैंने एक फ्राइड एग टॉप पर रखा जैसे कोरियन ड्रामास वगैरह में दिखाते हैं, और फिर हमने ड्रामा देखा हब्स। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, तो खैर हब्स ड्रामा हमें बहुत पसंद है,
थोड़ा ड्रैग हो गया, जो कि टिपिकल एयरवाइज ड्रामों का इशू होता है ये, कि वो ड्रैग कर देते हैं, लेकिन एक अच्छा गुड फैमिली टाइम हो जाता है। फिर मैंने नेक्स्ट डे के लिए कपड़े वगैरह प्रेस किए और सॉरी, और मौसम बदल रहा है तो बस ये फ्लू कफिंग ये चल रही है। और मैंने जो है ना इस दफ़ा कोशिश की है कि मैं इंग्लिश दवाइयों से दूर होके ज़रा देसी दवाइयाँ लूँ। ये नेक्स्ट डे मेरी कोलीग्स एक इवेंट करा रही थी, तो उन्होंने और उनके जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे थे उन्होंने बुलाया, और अब हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिस के अंदर लंच करना मना हो गया। पहले मैं ऑफिस में लंच मंगवा लेती थी, तो अब यहाँ एक फैकल्टी रूम है वहाँ जाके मैं लंच करती हूँ। तो ये आज दाल चावल थे और लाइट से थे, बहुत अच्छे बने हुए थे, तो हमने वो इन्जॉय किए। वहाँ पे एक दो कलीग्स और भी आई थी। फिर मेरी एक एक्स स्टूडेंट मुझसे मिलने आ गई जो ग्रेजुएट हो चुकी है, तो वो जब मिलने आई तो उसने मुझे एक चॉकलेट जो है ना वो एज अ गिफ्ट और एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दी, जो मुझे बहुत क्यूट सी ये चीज़ लगी। और मुझे थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए थी क्योंकि मैं वेट को भी ज़रा देखती हूँ, क्योंकि दिसंबर में मेरे कुछ कजन्स वगैरह उनकी शादियाँ आने लगी हैं, लेकिन खैर फिर मैंने उसे अवॉइड किया। फिर हम शाम को बसेस के टाइम से काफ़ी पहले चले गए ग्राउंड में, क्योंकि यूँ बच्चे उस टाइम खेल वगैरह रहते हैं ग्राउंड में, तो देख के बहुत मज़ा आता। मैं अपनी एक और कोलीग के साथ जाके बैठ गई वहाँ और हमने इंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे मेरी बहन आई हुई थी, उसको फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये फिश बनाई। मैंने फिश मैरिनेट करके रखी, मैरिनेशन में मैंने बेसन और उसके मैं सारे मसाले वगैरह डाले, अनारदाना, थोड़े बहुत सारे मसाले मुझे याद नहीं है। और फिर मैंने उसको अच्छी तरह फिश पे कट्स वगैरह लगा के, और मैंने फिश की स्किन भी उतार दी थी। फिर हम ये मैरिनेट करने के बाद फ्रूट लेने चले गए, क्योंकि मेरा अनार खाने को शदीद दिल कर रहा था। और अंदर भी हमारी हाउसिंग सोसाइटी की ये बाहर वाली जगह है, अंदर भी मिलती हैं चीज़ें, लेकिन उसके पास अनार नहीं थे। वापस आके फिर मेरी बहनों ने कहा कि जल्दी जल्दी फिश फ्राई करो, तो ये जी मैं फिश फ्राई कर रही हूँ और फिश बहुत अच्छी बनी थी। मुझे किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी भी अपलोड करूंगी अपने चैनल पे, लेकिन ये इतनी अच्छी क्रिस्पी सी बनती है। और अंदर मैं इस तरह से, मैंने एक दोस्त टेक्निक सीखी थी कि अब मेरे फिश में ज़रा पानी पानी सा नहीं होता, मतलब ऐसे होता ना ये स्किन सी रह गई। मैंने इस दफ़ा स्किन भी, ये पीछे जो एक पतली सी स्किन होती है, मैंने सारे पीसेस से उतारी थी, तो इस पीस पर रह गई थी। फिर ये भी अब मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस पीस की वजह से ये होता है कि मसाला जो है ना वो पीस के दूसरी साइड से, मतलब जिस तरफ स्किन होती है उस तरफ से अंदर अच्छी तरह नहीं जाता। लेकिन मैंने इसे 5-6 घंटे रखा था मैरिनेशन में, और ये लुक आई है ना उतनी अपीलिंग आ रही है नहीं। और ये मेरी बहन ने बहुत डिलिशियस चटनी इसके साथ बनाई थी, इतना मज़ा आया। फिर उसके बाद हम एक चीज़ खाते ना, हमें अगले चीज़ का ख्याल हो जाता है। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम हमें बिरयानी बना के दो, और वो देखिए बड़ी डिफरेंट सी बिरयानी बनाती है, ऐसे हर चीज़ इकट्ठी डाल देती है, फिर भी उसकी बहुत अच्छी कुकिंग है, तो थिंग्स टर्न आउट रियली वेल। सोचिए जब मैं इस तरह सब कुछ इकट्ठा डालूँ ना, मेरा कभी भी इतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन उसने इस तरह से किया हुआ है कि वो, उसको ये टेक्निक है कि किस तरीके से ये करना है। तो खैर फिर हमने बिरयानी बनाई, फिर साथ ही हमने सोचा कि अच्छा फ्रूट चाट भी बनाते हैं, तो अब मैं ये सारे फ्रूट चाट के लिए चीज़ें वगैरह काट रही हूँ, केले और ये सब कुछ। और फिर उसके बाद हमने साथ सोचा कि बिरयानी के साथ हम वो भी बनाते हैं, आलू के जो कटलेट्स होते हैं ना, चिकन और आलू के कटलेट्स, वो भी हमने बनाए। तो अभी बिरयानी का मसाला रेडी हुआ है, और मैं जो है ना चावल उबालने के लिए रख रही हूँ, बिरयानी के चावल है। और सैडली मैंने इसमें ये 2 बड़ी मिर्चें डाल दी थी, मैंने बॉयल्ड चावल करते वक्त ना उसके अंदर ये जीरा और इसका तड़का सा डाला था, जो गर्म पानी ना उसके अंदर, उससे चावलों में बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। लेकिन ये 2 मिर्चें इतनी तेज थी कि बाद में बिरयानी इतनी तीखी बनी, अम्मी से हमें इतनी डांट पिटी, क्योंकि पहले ही मौसम आपको पता चेंज हो रहा है और गले वगैरह ख़राब हुए हैं। लेकिन खैर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मिर्चें इतनी तेज़ निकलेंगी। फिर खैर मैंने उसको, बहन को आलू का मसाला बना दिया था, चिकन आलू का, या वो चिकन आलू वाले कटलेट्स बना रही है। इसने काफ़ी बड़ा साइज रखा, मेरा दिल था ज़रा छोटे साइज रखती। खैर तो हमने आज पूरा दिन जो है फुल इंजॉय किया, और यूजली ऐसे ही होता है। वीकेंड हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजारते हैं कि जब मेरी बहनें आ जाती हैं फिर हम कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते रहते हैं। स्पेशली मेरी जब अगर नीस आ जाए फिर तो बहुत ही हल्ला गुल्ला रहता है, तो खैर वो ज़्यादातर तो नहीं आती, या मैं ऊपर गई हुई हूँ और मेरी बहन जो है ना वो कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि कह रही है जल्दी से कैमरा बंद करो और ताकि बातें वगैरह हम अपनी करते रहते हैं। वो आती है, वो दूसरे शहर में रहती है, तो वो अपनी कोलीग्स की, अपनी फ्रेंड्स की कहानियाँ सुनाती रहती है। और हम, अम्मी और मेरी एक और बहन जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में, हमारा वहाँ बैठने को दिल नहीं था, तो हम ऊपर आ गए। ये मेरी एक और बहन है, उसका रूम है, मेरा यहाँ से ऑपोजिट रूम है।
और वो जो आपको सामने छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा है वो हमारा स्टोर रूम है, और मैं आपको अपनी बिरयानी की भी शक्ल दिखाती हूँ। इतनी मजे की बिरयानी बनी थी, ऑब्वियसली मैंने तो नहीं बनाई थी, और मेरी बहन ने इसमें रेड और ऑरेंज कलर दोनों डाले थे। और फिर ये नेक्स्ट डे है वो इवेंट जो मैं आपको कह रही थी जिसपे मेरी कोलीग्स ने बुलाया था, और उन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया था उसका। तो ये डेकोर भी जो है ना यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन इस डेकोर में बहुत ज़्यादा मेहनत जो है मेरी अपनी कोलीग की थी। उसने उन्होंने मेरी कोलीग ने अपनी अम्मी के साथ मिलकर ना ये सारी डेकोरेशंस की थी, और सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही हेलोवीन वाइब आ रही थी जो कि बहुत ही ऐसे अपीलिंग सा था। तो ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की है, फिर सुबह सुबह मैंने सारी ये डेकोरेशंस वगैरह देखी, फिर मैं अपनी क्लासेस लेने चली गई, और क्लासेस के बाद ये इवेंट था। तो आप ये देखें कि ये भी पूरा ये जो सारा सेटअप है ना ये मेरी कोलीग ने अपनी अम्मी के साथ मिल के बनाया सारा कुछ, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे गले में अब इतनी ऑनेस्टली दर्द हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये इस तरह से ना उन्होंने पुतले से बनाए हुए थे, और ये लिफ्ट के अंदर इवन जाते हुए भी ना वहाँ पे इंसेक्ट से थे। तो फिर ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने मुझे एक इन्विटेशन कार्ड दिया था, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर वॉक काइंड ऑफ थी, रैम्प वॉक टाइप। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जज करूँ उसको, उस ना उस इवेंट को। अच्छा, इस इवेंट की थीम जो थी ना वो स्पूकी थीम थी, जैसे हॉरर काइंड ऑफ। तो जो राइटिंग वगैरह थी वो भी मुझे कोई इतनी समझ नहीं आ रही थी, तो खैर इसमें लिखा हुआ है कि मैं चीफ गेस्ट हूँ, तो मैं वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और मैं बस इंजॉय कर रही थी क्योंकि आज मेरा दिन वैसे भी बहुत अच्छा गुजर रहा था, और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। मुझे भूख तो हर ही एक दो घंटे बाद लग जाती है, तो फिर मैंने खाना मंगवाया अटेंडेंट से। और हर मंडे को हमारे यहाँ दाल बनती है, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी बाकी मेरा मुझे इतनी पसंद है वो हलीम, वो लिटरली इन्होंने मेन्यू से निकाल दी है, लेकिन दाल जो है मेन्यू से कभी नहीं निकलती, चाहे छुट्टियाँ हो, चाहे मतलब स्टूडेंट सेमेस्टर ब्रेक चल रही हो, कुछ भी हो, दाल कभी नहीं निकलती। खैर मुझे दालें वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा दिल चाहता है हर चीज़ से चिकन निकल जाए मुझे, मैं चिकन से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं वैसे भी मीट ईटर नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर मुझे वेजिटेबल्स पसंद होती हैं या दालें पसंद होती हैं। और आज मेरी फ्रेंड नहीं आई हुई थी तो मैंने अकेले ही लंच किया। यूजली खैर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा मैं अकेले ही लंच करती हूँ। तो उसके बाद मैं इवेंट के लिए जाने लगी थी, क्योंकि इवेंट शुरू होने वाला था, और मेरी कोलीग्स ने मुझे कहा कि मैं चली जाऊँ। फिर ये अंदर भी इन्होंने बहुत प्यारी डेकोरेशंस की हुई थी, ऊपर जो पूरा स्टेज था, क्योंकि एक इनका प्ले भी था। अच्छा जी, तो ये इवेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, हालांकि मैं काफ़ी देर से आके यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और सैडली हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे, हाँ सोसाइटी में लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं है एक दूसरे के टाइम की। अभी मैं एक मैंने पिछले दिनों भी व्लॉग लगाया था, उसमें हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे जहाँ मेरी फ्रेंड को किसी काम से बुलाया हुआ था, तो लिटरली हम 3 आवर्स वेट किया सिर्फ 5 मिनट्स की मीटिंग के लिए। तो खैर टाइम का क्या बनना रोना रोए, मुझे लगता है कुछ मैं थोड़ी सी खुद ज़्यादा ही टाइम कॉन्शियस हूँ, या ऑन टाइम या पंक्चुअल बहुत हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर बहुत पंक्चुअल थे, तो उन्होंने हम सब बहन भाइयों को इस तरह की आदत डाली है कि वी आर सुपर पंक्चुअल। तो पाकिस्तान में एज सच लोगों को आदत नहीं होती, तो हम ज़्यादा बॉदर होते हैं इस चीज़ से। फिर ये एक डांस परफॉर्मेंस थी जो कि स्पूकी थीम पे थी, मतलब कोई उस तरह का ही उसी थीम के अकॉर्डिंग कोई म्यूजिक था, फिर ये बच्चों ने कोई डांस परफॉर्म किया। तो मुझे तो डांस वैसे ही, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया कि मुझे म्यूजिक और डांस एक्सट्रीमली जो है ना पसंद है या अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ पे भी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई हुई मैं ज़रूर देखती हूँ। इवन मैं बाहर गई थी तो कोई भी इवेंट्स होते थे मैं मिस कर देती थी, लेकिन जहाँ डांस वगैरह हो रहा होता था वो मैं ज़रूर जाती थी वहाँ पे। तो उसके बाद ये प्ले था जो मैंने सुना है, आई थिंक बच्चों ने खुद ही लिखा था, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, लेकिन ये भी हॉरर थीम पे था। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि हमारे यहाँ ऑडियंस को खुद से अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा डेकोरम मेंटेन करना होता है। जैसे बच्चे जब हॉरर चीज़ देखने आते हैं तो दे आर सपोज टू वॉश थिंग्स इन दैट एम्बियंस रादर देन मेकिंग एवरीथिंग यू नो साउंड फनी एंड ऑल दैट। तो वो था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, शी वॉज सुपर कॉन्फिडेंट एंड शी इज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ हर परफॉर्मेंस। तो मुझे सारा कुछ ये बहुत अच्छा लगा कि अब जो मैं देखती हूँ ना, नए जितने भी बच्चे होते हैं नई जनरेशन के, दे वेरी कॉन्फिडेंट, और वो उनको बड़ा पता होता है कि उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर ये वॉक शुरू हो गई जो मैंने आपको कहा था कि कैरेक्टर वॉक थी, जिसमें हर जो पार्टिसिपेंट था ना उसने डिफरेंट कैरेक्टर्स को का वो किया हुआ था,
गेटअप किया हुआ था, जैसे एक था उसने वो शेल्बी जो है पीकी ब्लाइंडर्स वाला, थॉमस शेल्बी आई गेस उसका नाम है पूरा, वो था, कोई ड्रैकुला बना हुआ था, इस तरह से उन सब ने वॉक की थी, ये हाँ ये थॉमस शेल्बी है और ये ड्रैकुला था, इस सब मुख्तलिफ थे। फिर उसमें से हमें पिक करना था कि किसने सबसे अच्छा गेटअप किया हुआ है, तो ये भी इंजॉय किया। फिर एक पूरा वो आई थिंक मनी हाइस्ट काइंड ऑफ पूरा एक लुक लेके ये पूरा ग्रुप आया था, तो आई रियली एंजॉयड दैट एज वेल। और मुझे लगता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए और क्रिएटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो पूरा बच्चों में एक होता है ना एंगर और स्टडी स्ट्रेस और सोसाइटल स्ट्रेस, ये सारा कुछ, वो इस तरह की चीज़ों से, इन चीज़ों के थ्रू वो थोड़ा मुझे लगता है बच्चे काम डाउन हो जाते हैं, बच्चों की फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम होती है। अच्छा, तो अभी मैं आपको, ये दोनों टीचर्स जो हैं ये वो स्टूडेंट सोसाइटी रन करती हैं, तो अभी इनके सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आगे, फिर जी हम चले घर को क्योंकि सारा इवेंट ख़त्म हो गया था। मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें पैक की और घर की तरफ चली। सो सी यू इन सम अदर ब्लॉग, बाय।